गाइस बहुत देर हो गई हमें वेट करते हुए यार, राहुल भाई का कोई पता नहीं है। बाकी यार क्या है ये टाइम का कौन पंचोल होता था, गरम पंचोल होता टाइम का। जब से गाइस इसकी शादी हुई है ना तब से इसका टाइम पंचोल सारा खराब हो गया है और हमारे साथ लड़ाई करता है कि भाई तुम टाइम पे नहीं आते, खुद टाइम पे आएंगे। तो अगर आपको भी टाइम पे आना है तो शादी मत करवाना नहीं तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। ओह वेरी मच धूप यार, चश्मा ला लूं। ओ यार तुमने फिर लगा लिया वेल्डिंग वाले यार। ओए वेल्डिंग वाले हैं, एक मिनट गाइस एक मिनट अभी बता देता हूं मैं वेल्डिंग वाले हैं कि कौन से हैं। चश्मे तो है नहीं पर तू जरूर वेल्डिंग वाला है। ओ हां ये तो वेल्डिंग वाले हैं गाइस। राहुल भाई आ चुके हैं लेट, वेरी लेट। कहां है भाई? तो गाइस हमेशा की तरह राहुल जी लेट आए हैं। ये है गेंडा जी, राहुल जी पूल पार्टी जा रही है। तो गाइस हमने कैब बुक करवाई थी घर से, कैब को लेने जा रही है 2 किलोमीटर वहाँ खड़ी है, 2 किलोमीटर दूर खड़ी है कैब, तो लेने जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस हमें मिल चुकी है उबर यार, मैं तो ऐसे लगाता हूँ कार पीछे एक नंबर लिख के। वो तो उसको बोल, उसको कुछ नहीं बोल। क्या केयर बेइज्जती करा दी तुमने यार? क्यों भाई, चश्मे ही नहीं अच्छे लगे तेरे शक्ल पे। तो ना लगे भाई अच्छे, धूप से बचना है हमने तो। ये यहाँ गाड़ी में कौन सी धूप लग रही तुझे? गाड़ी के बाहर बहुत धूप है ये बेटा बिजी मानस। गाइस इसी काम जा रहे हैं हम बाहर, हमें तो कोई शौक नहीं है दिल्ली जाने का, इसका ही बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट डील है। मेट्रो की वो करनी है, पॉलिसी काटनी है एक वंदे भारत की पॉलिसी है उसका करेंगे मुआयना, और एक इसका करेंगे छोटू का। अरुण तो पहुंच गया राजू नेपाली स्नैप, कह रहा दिल्ली में मेरा स्वागत है दिल्ली में मैंने अपने आप कर दिया स्वागत। मेट्रो की पहुंची है भेजी उसने वही स्नैप। चलो कोई ना, मेट्रो क्या लेके आते होगी। सो गाइस हमारे कैमरे भैया बड़े ही सुपर फास्ट है। काके जी आप क्या करने जाएंगे? भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं ट्रेन तक पहुंचा दे मुझे। क्या ट्रेन मिले ना मिले पर भगवान जरूर मिलेगी हमें आज। जो मिठाई बर्फी रखी है बैग में उसे फिर घर पे खाना पड़ेगा। घर वाले ने पता क्या बोला है, फिर ये ले आना वो ले आना वो सब दरा। इसके एक दोस्त ने नंबर दे दिया इसको कि भाई ले चोर बाजार जाएगा ना फोन कर दियो, ये सामान ले गूगल पे कर देंगे तुझे। आज हम जा रहे हैं वे टू दिल्ली, दिल्ली की सवारियां यार टाइम पे नहीं आई ये ट्रेन भाई। तो गाइस हमने काफी बंदों के व्लॉग देखे थे, उसमें बोलते हैं कि वंदे भारत टाइम पे आती है, साढ़े तीन का टाइम था है ना, 3:31 हो गए हैं ये भी स्टेशन का टाइम दिखा। अच्छा नहीं साढ़े 6 तो हमारी पार्टी है यार भाई, तोड़ गया मेरा यार। तो अभी बंदों ने कहा कि 6:30 भी आई है वो ट्रेन, अभी तो 2 मिनट ही लेट हुए। सर्दियों की बात होगी वैसे लेट होगी। अब बताओ जी, पता कोई दिक्कत थी? तो इन्होंने बताया कि 6:30 भी आई है ट्रेन, तो 6:30 तक खड़ने के लिए रेडी भाई, मैं घर जाके सो जाएंगे भाई। और तो बच गया यार उसका पता नहीं कितनी हुआ। अरे उसका ऐसे ही बसों का बस, भारत माता की जय। रेलवे वाले भी क्रिएटिविटी पूरी ध्यान रखते हैं, मेरे पास रेलगाड़ी है क्या है सीट है, मेरे पास सीट है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे मुंह में
तू क्या बताऊंगा। सो गाइस फाइनली हमारा वेट खत्म हुआ और हमारी ट्रेन आ चुकी है। वो देखो और ये आई है हमारी लेट आ गई 3:37 पे, 3:30 का टाइम। हेलो गाइस हम आज ट्रेन आ चुके हैं। वाओ यार ये तो बहुत बड़ी ट्रेन है। तो यही रोक दो, मैं रोक लूं भैया। पूरे सवारी क्यों उतरेगी, शीशे में दिख रहे हैं हम काके वीडियो सेल्फी गाइस। ब्रो इजी इजी ब्रो इजी। आओ भाई साहब आपको हम ट्रेन दिखाएंगे। जी सर शीशे में उधर उधर आ जा भाई। क्या लिखा हुआ यहां पे? क्या लिखा हुआ शीशे में? लाइटें बंद कर दे यार। मेरे को ले मोटे चाह आ रहा हूँ तू ना यार। सो गाइस बड़ी तगड़ी सीट है भाई। रोटी खाने गए भाई, अपनी साइड कर इसको बाहर कर दे इसको आगे रख दे यार। सीट ली है अपने, बुक कराई हुई है इधर सेंटर में रखो ना। फिर अगे बैग डाल ले पर भी खाएंगे। दिखा दे एक बार ट्रेन, दिखा दी मैंने। तो गाइस सीट इज वेरी स्टफ, इज वेरी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल इज वेरी लॉक सतो। मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगी कि रेल के अंदर पानी देते हैं। देखो गाइस घूमने आए हैं या काम करने आए हैं? क्या हो रहा है यार काकी भाई? मेरा ऑल करता वर्क हार्ड। घूमने तो आ जाते हैं पर ये घूमने का मजा सारा खराब हो जाते हैं। राहुल चौक चक लिया काम करे जा रहे हैं। राहुल मेरा पीएफ चेक करिए। ये ना कितने साल हो गए तुझे कंपनी में काम करते हुए? है भाई कितने काम, कितने साल हो गए काम भी करता है? कितने साल हो गए सर आपको जॉब करते हुए? मुझे 3 साल हो गए यार धक्के खाते हुए। हो गया, हो गया 5 लाख रुपए पीएफ इकट्ठा हो गए। हां हो गए 1700 रुपए। बड़ी ऊंची ना गाड़ी है। अरे वो आ गया ना गाइस, वंदे भारत की तारीफ तो करनी पड़ेगी। आधे घंटे में इसने हमें दिल्ली पहुंचा दिया है। बेकार सर्विस। तो गाइस बस हमारा अंबाला के क्रॉस करते के बाद वो मिलता है खाना, मिलता है स्नैक्स वगैरह। तो अभी अब हमारी बारी आएगी। कब आएगी? बस अगले वाले टेबल को दे दिया, अब अगली बारी हमारी है। आपको दिखा देता हूँ। और ये बेताब है लेने के लिए अपने स्नैक्स, हाथ पैर खोल लिए हैं। अरे वो हमारी है। अरे 46, 47, 48 यही है क्या ड्रिंक पे? दूध नहीं है? दूध। सो गाइस हमारी मील आ चुकी है। रेडी है। इसमें एक समोसा और ये चाय कैफे थे और ये कुछ लीची।
यही कुछ है सोता। तो गाइस पहले हम खाएंगे समोसा। गाइस पहले ये पैकेट पार्ट लेते हैं नमकीन का यार। अपने अपना अपना यार वो ग्लूटिन होता है वो होना नहीं चाहिए। पता पता नहीं आता है वो पूरा एंजॉय करते हुए अपने स्नैक्स मिल को नमकीन। राहुल जी समोसे खा रहे समोसे को राहुल जी खा रहे हैं। राहुल समोसे को ऐसे करिए मुंह के पास। ओह कितनी चटनी। वाओ यार वेरी एंजॉय। तो राहुल जी टेस्ट कैसे समोसे का? मुझे छोटा है। साइज छोटा है खत्म भी कर चुका हूँ। तो गाइस नमकीन के बाद इसको बाद में खाएंगे। चाहिए इसको गाइस वो बोलते हैं गचक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको चिकी। सो गाइस अब काका जी करेंगे तो गाइस समोसे की अनबॉक्सिंग। नमकीन का पैकेट इज वेरी खाली फिनिश। सब साफ कर दिया है। अब अनबॉक्सिंग होगी समोसे की। तो गाइस आपको बता देते हैं समोसा वंदे मार्ग का बहुत ही बेहतरीन समोसा। तो फाइनल लुक ये है समोसे की। बैक साइड वाओ यार बड़ी नाइस बैक। ऊपर थोड़ा रगड़ी पैटीज वर्गा लग रहा है। ये कौन सी बॉडी की है? ये मेटल कौन सा यूज किया है? बड़ा अच्छा लग रहा है। समोसा चोर ढूंढी खा गया इसकी समोसे की ढूंढी सबसे टेस्टी पार्ट। तो गाइस काका जी एक्सप्लोर कर लीजिए इसको क्या क्या है इसके अंदर। अच्छा इसमें गाइस सौंफ भी डाली हुई है इन्होंने। सौंफ खाएगा ले यार। तू खाएगा? नहीं यार मैं तो खा चुका हूँ भाई। तो गाइस ये समोसा और इस पे आई है केचप। केचप नहीं दिख रही यार हमारे दोस्तों को। अब दिखाइए। सो गाइस आप जब भी समोसा खाएं ऐसे खाएं यार। इसमें तो आई नहीं रही। खुला ही ले 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 यार ये खुलो पहले। ये आएगी पचल दे सी। तो गाइस फाइनल लुक ये है। और ये लुक अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यार आपका तो बड़ा ही सिस्टम तगड़ा है। मम्मी ने बड़े लाड और प्यार से बना के मुझे दी है ये मिठाई कि बेटा रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। तो गाइस आप कमेंट कीजिए ये किस चीज़ की बर्फ़ी है। वैसे हम बता देते हैं घिया की बर्फ़ी है। अगर आपको लगे कि ये घिया की बर्फ़ी ना हो अरे खा रहे हैं ना अब तो वहाँ जाके सिर्फ पियेंगे। तो काके जी आप कैसे लगी घिया की बर्फ़ी? आंटी जी आप इसका बिजनेस कर लो बहुत चलेगा बहुत अच्छी टेस्टी। और पहला डब्बा हमारे घर भेजो। खाली आप टेस्टिंग के लिए ना एक डब्बा दो तीन डब्बे हमारे घर भेजो फिर हम आपको ऑर्डर देंगे उस चीज़ का। और बंद कर दे इसको बस अब। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं न्यू दिल्ली। चलो उतरे चलो 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 एक मिनट रुक जाए यार क्या हो गया?
नीचे विद्या पढ़ाई आ गई थी पैरों के नीचे। ये विद्या कभी पढ़ी तो है नहीं तुमने स्कूल में? यहाँ रख देता हूँ, किसी और के काम आ जाएगी। हमने तो पढ़ी नहीं, हमारा तो काम आई नहीं है, हमारा तो काम नहीं आई है कोई। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली नहीं, सब्जी मंडी पहुंच गए भाई। न्यू दिल्ली पहुंच गए, पता नहीं कितनी सब्जी मंडी। दिल्ली तो भी आएगा सब्जी मंडी, उनको लग रहा है ये दिल्ली नहीं है। सब्जी मंडी गाइस, सब्जी मंडी इज द स्टेशन इज द दिल्ली। साइड पे तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब हमें ढूंढना है उस बंदे का एड्रेस जिसने हमें बुलाया है। तो गाइस फाइनली हमें लोकेशन मिल गई है। घर तो बहुत बड़ा स्कूल मिला के रे, घर तो बहुत अच्छा है पर घर के लोग ही हैं यहाँ पे। थोड़े दिनों में आएंगे वो, तो हमारे भाई से मिले, पहले भी मिल चुके आप इसको अरुण की शादी में। ये मतलब सही होने का भी मेरे से। ओ भाई इनसे मिलिए, दोस्ती का हस्ती। तो गाइस अगला व्लॉग आपको कल दिखेगा, ठीक है, बने रहें।